कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। जी गर्ल्स, आज का लेक्चर नंबर 8 है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। टॉपिक है हमारा ई बैंकिंग। आपने ई बैंकिंग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि क्या होती है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में कौन सी मसनूआत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। जी, सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, तीसरा है ऑनलाइन बैंकिंग और चौथा है ATM। क्रेडिट कार्ड, जैसे आपको पता है, ये जदीद बैंककारी में कारोबार की वसत के साथ साथ अपने ग्राहकों की सहूलत की खातर बैंकों ने जदीद तरीन खदमात की फ्राहमी का आगाज किया है। मुद्रिक बैंक अपने ग्राहकों को मुद्रिक नोयत के क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंकों के जारी करदा ये कार्ड अंदरून मुल्क अदायगियों के अलावा बरौन मुल्क में भी अदायगी के लिए कार्ड आमद है। ये कार्ड ऐसे मटीरियल और साइज के होते हैं जिसे आसानी से जेब में रखा जाता है। ये है क्रेडिट कार्ड। दूसरा है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तजारती बैंकों की तरफ से मुहैया करता ऐसी सहूलत है जिसमें बैंक के खाताधार को मुतरिफ जगह से अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने साथ कैश लेके नहीं जाता क्योंकि खरीदारी के वक्त कार्ड खाताधार ये कार्ड फरोख्त कार्ड को अदायगी के लिए पेश करता है। जिससे चीज़ें लेते हैं वो क्या करता है, उसको कार्ड मुहैया कर देता है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गुजारता है और खरीदी की अशिया की रकम खाताधार के अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। यानी खाताधार का बैलेंस खरीदी की अशिया के मुताबिक कीमत के मुताबिक कम कर दी जाती है। बाद में फरोख्त कार्ड अपनी फरोख्त की गई अशिया की रकम बैंक से वसूल कर लेता है। ये है डेबिट कार्ड। जो आगे आपने पढ़ना था वो है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन आपने डिग्री पढ़ लिया हुआ है, लेकिन आपको ओवरव्यू करवा देती हूँ। सबसे पहले है खाता में रकम जमा करवाना। हम अपनी रकम खाता में ऑनलाइन तरीके से भी जमा करवा सकते हैं। बैंक से रकम निकलवाना, ऑनलाइन तरीके से हम बैंक से रकम भी निकलवा सकते हैं और रकम की मुतकी या अदायगी क्या करते हैं, हम ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें जो आपने पढ़ी थी, आपने ATM के बारे में भी पढ़ लिया है। ATM मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंक की तरफ से फ्राहम करता जदीद खदमात में से एक है जिसकी मदद से बैंक का खातादार जो कस्टमर होता है किसी भी वक्त महसूस बैंक की किसी भी शाखा से रकम निकलवा सकता है। इस सहूलत की वजह से लोगों को घरों या दफ्तरों या अपनी जेबों में ज़्यादा रकम रखने की ज़रूरत नहीं। उनके पास कार्ड होता है, ATM मशीन में जाके पिन कोड वगैरह लगाते हैं, उससे अपनी रकम को निकलवा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ATM से रकम हासिल करने का तरीका, कैसे हम ATM से रकम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक है ATM से रकम हासिल करने का तरीका। जी गर्ल्स, जो हमारा आज मेन था वो था ATM से रकम हासिल करने का तरीका बयान करें, जो आज हमारा क्वेश्चन था। ये है चैप्टर नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ATM से रकम हासिल करने का तरीका, कैसे तरीका है? मैं कुछ तरीके आपके बोर्ड में भी, मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, मगर ज्यादा तरीके हैं। फॉलोइंग मेथड ऑफ ATM से रकम निकलवाने के बहुत से मददगार तरीके हैं। जैसे आप देख सकते हैं ATM से रकम निकलवाने के लिए मददगार इकदाम किए जाते हैं। नंबर वन, ATM कार्ड को मशीन के महसूस हिस्से में दाखिल किया जाता है। एक मशीन होती है जिस हिस्से में कार्ड डाला जाता है वो आपको महसूस हिस्सा बता दिया जाता है। ठीक है, उसमें आपने कार्ड को डालना हो, एक महसूस हिस्सा होता है। दूसरा क्या है, मशीन की स्क्रीन पर पैगाम जाहिर होने पर पिन कोड, एक मशीन है, मशीन के ऊपर पिन कोड आ जाता है। ठीक है, पैगाम जब उसको वसूल हो जाता है, जाहिर हो जाता है, तो क्या करते हैं, पिन कोड आ जाता है, वो आपने एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद स्क्रीन पर हासिल होने वाली मुख्तलिफ खाता जात में से नवीयत के मुताबिक खाते का इंतखाब किया जाता है। आपको मैंने खाते के बारे में बताया था, उसमें आपने क्या करना है, अपने नवीयत के मुताबिक खाते का इंतखाब कर लेना है। महसूस रकम के हसूल के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाली रकम में
किसी एक का इंतहाब किया जाता है। जो आपकी रकूम स्क्रीन में नज़र आ रही है उसमें से किसी एक रकूम को आपने क्या कर लेना है, इंतहाब कर लेना है। ATM एक महसूस अमल से गुजरने के बाद आपके ATM कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। जब सारा अमल आपने ऊपर क्या क्या महसूस कार्ड को महसूस हिस्से में डाल दिया, फिर आपने पिन कोड लगा दिया, कौन सा खाता है वो आपने देख लिया, फिर आपने क्या करना है, जो स्क्रीन में रकम नज़र आ रही है उसका इंतखाब कर लिया, इन सब को करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कार्ड को ATM मशीन से बाहर निकाल देना है। जब खाताधार महसूस हिस्से से कार्ड हासिल करेगा तो फौरन दूसरे महसूस हिस्से से इसकी मतलूबा रकम बाहर आ जाएगी। जब आपने इंतहाब वगैरह ये सारे काम कर लेने हैं उसके बाद आपकी क्या आपका क्या होना है, रकम बाहर आ जाएगी, तो आप वो रकम वसूल कर लोगे। ये है मेथड ATM से रकम निकलवाने के, 6 मेथड हैं, ठीक है। कैसे आप तरीके हैं, आपने पहले क्या किया, महसूस रकम अपना महसूस हिस्से में आपने अपना कार्ड डाला, उसके बाद पिन कोड जो लगाया, पिन कोड लगाने के बाद आपने खाते जो खाते नवीयत है वो जाहिर की, इंतहाब कर लिया, उसके बाद स्क्रीन पर जो नज़र आई आपकी रकम आपने उसका इंतहाब किया, आपने अपना कार्ड निकाल लिया, उसके बाद दूसरे हिस्से से रकम आई तो आपने वो वसूल कर ली। जी गर्ल्स है गर्ल्स, ये है चैप्टर नंबर 3, टॉपिक था हमारा ई बैंकिंग, जो आज हमारा ये भी वाइंड अप हो गया, इसकी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। इस चैप्टर में हमने जितने भी ई बैंकिंग के जरिए मीन्स के ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम सीखा है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, ऑनलाइन क्या है, ATM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से ग्राहकों को क्या फ़ायदा होता है, कौन सी मसनूआत यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखा है। ATM आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो इस चैप्टर में सीखा है। ये है चैप्टर नंबर 3 जो आज हमारा वाइंड अप हो गया है। तो आप अगर कोई भी मुश्किल आती है, कोई मुश्किल है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया।